नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वीके में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। झांसी जिलाधिकारी आंद्रा बामसी के कुशल नेतृत्व में कोरोना मरीजों की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है। जहां झांसी में लगभग 5000 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से मात्र 91 व्यक्ति ही कोरोना संक्रमित पाए गए और मरीजों की संख्या में आई गिरावट कहीं न कहीं झांसी के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जब हमारी टीम ने झांसी के अपर जिलाधिकारी संजय जी से बात की तो उन्होंने बताया कि जिले के लोगों को पहले उपचार संबंधी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर कोविड कंट्रोल रूम का स्थापित किया गया है, जहां पर लोगों की समस्या का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। साथ ही उन्हें झांसी के अंदर किस अस्पताल में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जिले में निगरानी समिति का भी गठन किया गया है, जो टीम लगातार गाँव शहर में घर घर जाकर लोगों की जाँच कर रही है, जिनसे लोगों की काफी राहत मिल रही है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यहाँ पे एकीकृत कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर काम कर रहा है। यहाँ से जो भी निगरानी समितियां हैं हमारे जनपद में, टोटल 798 जो निगरानी समितियां हैं, उनके माध्यम से हर ग्राम में निगरानी समिति जा रही है। निगरानी समिति घर घर का सर्वे कर रही है, जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जाए, जिनको इस तरह का सर्दी खांसी बुखार जो भी चीज़ें हैं, तो उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ हमारी आरआरटी टीम भी काम कर रही है। आरआरटी टीम के माध्यम से अगर आवश्यकता पड़ रही तो हम लोग अपना एंटीजन टेस्ट भी करा रहे हैं, जिससे भी इस तरह के लोगों को चिन्हित कर लिया जाए जिनके सिम्टम्स हैं और उनको ससमय इलाज दिया जा सके। इसके अलावा हमारा जो एकीकृत कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर है, यहाँ पे हमारे लगभग 20 लाइनें चल रही हैं, 4 मेन लाइनें हैं। साथ ही हमारी जो अन्य लाइनों पे हम लोगों ने कॉल हंटिंग की सुविधा दे रखी है, तो कोई भी इस पर फ़ोन लगाता है तो उसे कभी बिजी नहीं आएगा, ना किसी नंबर पर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से हम लोग होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं उनकी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। दिन में 2 बार उनको हम लोग कॉल करते हैं, उनके स्वास्थ्य का एक चार्ट बना हुआ है, उनसे पूछते रहते हैं कि उनकी कैसी स्वास्थ्य की स्थिति, ऑक्सीजन लेवल क्या है, फीवर है कि नहीं है, इसके अलावा अन्य कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी भी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति में कभी कोई दिक्कत होती है तो उसको हम लोग उसकी आवश्यकता अनुसार, जो भी यहाँ पर एक CMO रैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके परामर्श के आधार पर हम उनको L1 L2 या L3 जैसी भी सुविधा होती है शिफ्ट करा देते हैं। इस समय कोरोना के मरीजों की क्या स्थिति है, कितनी गिरावट आ रही है? जनपद में हमारा जो पूरा जिला प्रशासन और सभी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं DM साहब के नेतृत्व में, हमारे यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव केसों की में काफ़ी गिरावट आई है। जैसे कि कल हमारे यहाँ मात्र 93 केसेज आए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है।